मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो बच्चों, कल हमने क्या पढ़ा था? वो कहानी पढ़ी थी तीन बुद्धिमान वाली, यही पढ़ी थी क्या? पाठ नंबर 8, तीन बुद्धिमान। आपको याद होगी कहानी? कौन कौन थे इसमें? तीन दोस्त थे, उनका नाम था गोपी, हरी, देव, जो काम की तलाश में जयपुर नगर की ओर जा रहे थे, जयपुर के राजा के पास। वो तीनों अपनी बुद्धि, वो बहुत ही बुद्धिमान थे और अपनी बुद्धिमानी से राजा को प्रसन्न किया और मंत्री पद को हासिल किया। तो बच्चों, बुद्धि एक ऐसी चीज है, इससे व्यक्ति क्या करता है, अपनी कठिन से कठिन समस्या का हल कर लेता है। तो बच्चों, आज हम इस कहानी के अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, तो देखो, बोलकर पढ़िए। पहले जो कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें हमें बोलकर पढ़ना है। तो देखो क्या है, ये शप्ता है। क्या है? शप्ता है। मनोरंजन, मनोरंजन। विशेषता, निशान। व्यापारी, सिंहासन। विश्वास, ये शब्द बच्चों आपको भी पढ़ने हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। इन प्रश्नों के हमें उत्तर बताने हैं। ऊंट के पैरों के निशान पहले किसने देखे? कै का क्वेश्चन है। ऊंट के पैरों के निशान पहले किसने देखे? किसने देखे थे बच्चों? कहानी में आपको मालूम है ना, बताया हुआ है, आपने कहानी पढ़ी भी है। तो किसने देखे थे ऊंट के पैरों के निशान सबसे पहले? हरी ने। किसने देखे थे? हरी ने ऊंट के पैरों के निशान सबसे पहले देखे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खै, व्यापारी के वस्त्र कैसे थे? कैसे थे व्यापारी के वस्त्र? वो रेशमी वस्त्र पहन रखे थे ना, तो व्यापारी के वस्त्र रेशम के थे। कैसे थे? रेशम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, गए, व्यापारी का क्या खो गया था? व्यापारी का क्या खो गया था? क्या खो गया था व्यापारी का? व्यापारी का ऊंट खो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा ने तीनों मित्रों को किस पद पर नियुक्त किया? राजा ने तीनों मित्रों को किस पद पर नियुक्त किया था? तो किस पद पर किया था बच्चों? मंत्री। वेरी गुड। किसके पद पे नियुक्त किया था? मंत्री के पद पे। राजा ने तीनों मित्रों को मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ओके, अब देखो लिखित, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके उत्तर हमें लिखने हैं बच्चों। तो चलो, पहला क्वेश्चन क्या है? के तीनों मित्र राज दरबार क्यों जाना चाहते थे? तीनों मित्र राज दरबार में क्यों जाना चाहते थे? तीनों मित्र राज दरबार में कोई काम पाने के लिए जाना चाहते थे। क्या करने के लिए जाना चाहते थे? कोई काम पाने के लिए। तो लिखो, इसमें राइट करना है आपको, लिखना है तीनों मित्र राज दरबार कोई काम पाने के लिए जाना चाहते थे। ओके बच्चों, तीनों मित्र राज दरबार क्यों जाना चाहते थे? कोई काम पाने के लिए जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खै, व्यापारी ने राजा से क्या शिकायत की? व्यापारी ने
राजा से क्या शिकायत की थी? व्यापारी ने राजा से शिकायत यही की थी ना कि इन तीनों मित्रों ने रास्ते में मेरा ऊंट चुरा लिया है, यही शिकायत की थी ना। देखो, व्यापारी ने राजा से शिकायत कि इन तीनों यात्रियों ने रास्ते में मेरा ऊंट चुरा लिया है, यही शिकायत की थी ना व्यापारी ने राजा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरी ने ऊंट की कौन सी विशेषता बताई? हरी ने ऊंट की कौन सी विशेषता बताई थी? हरी ने बताया था कि हरी ने क्या बताया था कि यह ऊंट एक पैर से लंगड़ा है। तो हरी ने बताया कि ऊंट एक पैर से लंगड़ा है, यही बताया था ना हरी ने। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कै गोपी ने राजा को क्या कहा? गोपी ने राजा को क्या कहा था? गोपी ने क्या कहा था? गोपी ने राजा को यही ऊंट की विशेषता बताई थी ना कि रास्ते में बाईं ओर के पेड़ों के पत्तों को खाए और दाईं ओर के पेड़ों के पत्तों को उसने छुआ तक नहीं, तो इसलिए वो दाई आंख से अंधा है। तो ये इसमें हमें राइट करना है। गोपी ने राजा को क्या कहा? गोपी ने राजा को कहा कहा कि ऊंट ने रास्ते के बाईं ओर के पेड़ों को पेड़ों के पत्ते खाए हैं, जबकि दाई और लगे पेड़ों को छुआ तक नहीं, अतः ऊंट दाई आंख से अंधा है। ओके, नेक्स्ट वाला देखो, देव ने ऊंट के विषय में क्या विचार प्रकट किए? देव ने ऊंट के विषय में क्या विचार प्रकट किए थे?
देव ने कहा था कि उसके पैरों के निशान है ना, उनके पास छोटी छोटी रक्त की बूंदें देखी थी उसने, तो उसे मालूम हुआ कि वो मच्छरों के काटने के कारण ही गिरी हैं। यदि अगर ऊंट की पूंछ लंबी होती तो वो उन्हें उड़ा देता और ये रक्त की बूंदें नहीं गिरती, इसलिए उसकी पूंछ छोटी है। तो देव ने कहा कि उसने ऊंट के पैरों के निशान के पास रक्त की छोटी छोटी बूंदें देखी जो मच्छरों के सॉरी जो मच्छरों के काटने के कारण गिरी हुई थी, ऊंट की पूंछ लंबी होती तो वह मच्छरों को उड़ा देता। मच्छर उसे नहीं काट पाते। अतः ऊंट की पूंछ छोटी है। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम कल करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।